हाय स्टूडेंट्स, क्लास 11 एक्सरसाइज 3.2 कहता है क्वेश्चन 5 द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्वेश्चन 1 to 5। क्वेश्चन 1 से लगा करके 5 तक का कहना एक होगा दोस्तों, एक वैल्यूज दी जाएगी आपको, 5 वैल्यूज निकालनी हो अदर पर, अर्थात कॉस दिया है तो साइन कॉसेक के कॉट से यानी उन सबकी वैल्यूज निकालनी है, लेकिन कंडीशन दी है एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अगर दोस्तों एक्स लाई करेगा थर्ड में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड का नेम क्या बताता है दोस्तों, टी, टी का मतलब टेन कॉट पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव, जितनी वैल्यूज निकालोगे सारे की सारे निगेटिव दोगे, सिर्फ टेन कॉट को छोड़ करके। टेन कॉट कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। चलो पहुंचते हैं कॉन्सेप्ट पे, तो वी नो डेट साइन स्क्वायर एक्स, एक्स आए दोस्तों तो एक्स में लेके चलो, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, देन साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर वैल्यू रखो माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, देन साइन स्क्वायर एक्स 1/4 इक्वल टू 1, देन साइन स्क्वायर एक्स 1 - 1/4, तो साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 से 1 लेस किया 3/4, तो साइन एक्स हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर जब हटेगा तो रूट लगेगा प्लस माइनस के साथ। अब ध्यान, जब एक्स लाइज करेगा दोस्तों ठंड में तो साइन कैसा होगा, माइनस में होगा, तो आगे लिख देंगे एटीक्यू। क्वेश्चन कह रहा है देन साइन एक्स इक्वल टू निगेटिव रूट 3 अपोर का क्या हो जाएगा 2, ये साइन एक्स की आ गई वैल्यू, समझ पाए दोस्तों, प्लस नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि एक्स लाई करता था थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्वाड प्लस का, बाकी सब माइनस का होना चाहिए, तो इसलिए साइन माइनस में आया, साइन निकल आया, कॉस निकल आया। अब दोस्तों किसका निकालते हैं, कॉसेक का, साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक निकाल देते हैं दोस्तों, कॉसेक क्या होता है 1/sin, यानी इसका उल्टा कर दो साइन साइन का, तो हो गया 1/sin हेंस माइनस 2/√3, ये आपकी कॉसेक एक्स की हो गई दोस्तों। कॉसेक भी निगेटिव होता है ठंड में तो निगेटिव आया। अब दोस्तों सेक की निकालो, सेक एक्स क्या होगा 1/cos x, यानी cos x का उल्टा कर दो, तब क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका अपोजिट करोगे तो 1, ये कितनी वैल्यूज हो गई 1, 2, 3। अब टेन की निकालते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए टेन एक्स इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स, साइन की वैल्यूज निकाल चुके हो, कॉस की वैल्यूज माइनस हाफ, 2 कैंसिल माइनस माइनस प्लस, तो टेन एक्स की वैल्यूज आ गई। तो दोस्तों टेन इसमें पॉजिटिव होता है तो देखो टेन पॉजिटिव है, टेन का अपोजिट उल्टा कर दो तो कॉट होगा, तो कॉट एक्स क्या हो जाएगा रूट 3 का उल्टा करने पे, रेसिप्रोकल करने पर 1/3 आ जाएगा, टेन कॉट प्लस का तो टेन कॉट प्लस के हैं, बाकी सब निगेटिव हैं। इस तरीके से क्वेश्चन 1 to 5 तक चलेगा। एक और लगाते हैं, अब रिमेनिंग 3 क्वेश्चन आपको करना होगा, ध्यान दीजिएगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और जो नए स्टूडेंट्स हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन है साइन एक्स इक्वल टू 3/5 एक्स
लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर दोस्तों सेकेंड में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है दोस्तों, तब क्या होगा? ये फर्स्ट, ये सेकेंड। सेकेंड में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता, बाकी सब निगेटिव होता। तभी देखो साइन पॉजिटिव दिया है क्वेश्चन में, कॉसेक निकालो, साइन का रेसिप्रोकल कर दो, 5/3 पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव मिला, वन वैल्यूज। अब हम जानते हैं, क्या जानते हो दोस्तों? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू रखे यहां, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस 9/25, तो हो जाएगा 16/25। अब दोस्तों, अब स्क्वायर जब हटेगा प्लस माइनस लगेगा, 4/5 आ जाएगा। सिंस एक्स लाई कहाँ करता है? सेकेंड में। जब सेकेंड में लाई करेगा तो कॉस क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेकेंड में तो साइन कॉसेक ही प्लस के, बाकी सब माइनस के होते हैं, तो कॉस माइनस आएगा। आगे लिखना चाहो तो लिख दो, एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड के कारण कॉस क्या ले लिया गया? माइनस के, माइनस का। कितने आंसर हो गए? दो। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो सेक एक्स इक्वल टू 1/cos x, कॉस माइनस 4/5 है, तो ये क्या हो जाएगा? 5/4 sec x। अब दोस्तों tan की निकाल लेते हैं। tan x इक्वल टू क्या होता है? sin x डिवाइड बाई cos x। sin 3/5 है, अब cos दोस्तों माइनस 4/5 है, then tan x इक्वल टू माइनस का 3/4 भाई। 10 सेकेंड में माइनस का होना चाहिए, तो माइनस में आएगा, तो cot 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो उल्टा कर दो, 4/-3, ये आपकी 5 वैल्यू होगी, 1, 2, 3, 4, 5। इस तरीके से दोस्तों आपको 3 क्वेश्चन में दे रहा हूँ, जिन्हें आप करें। सभी लोगों के पास बुकें तो ही हैं, बुक तो देख ही रहे हैं, तो 3 क्वेश्चन जो हैं आपको करना है। थर्ड क्वेश्चन कहता है cot x इक्वल टू 3/4 x लाई करेगा इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई जब करेगा तो कर दीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन sec x इक्वल टू 13/5 x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फिफ्थ क्वेश्चन tan x इक्वल टू माइनस 5/12 x लाइज करेगा कहा? इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ये आपके 3 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। आप क्वेश्चन पूछते हैं, वैल्यूज निकालना सिखा रहे हैं। अब वही 48 आइडेंटिटीज का इस्तेमाल होगा दोस्तों। कौन सी? साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, ये जो आइडेंटिटी करवाई थी उन्हें याद होना जरूरी है दोस्तों। वैल्यूज निकाली है। 6 नंबर क्वेश्चन है, साइन 765 की वैल्यूज बतानी दोस्तों, क्या किया जाएगा? इसको मैं लिख सकता हूं, ध्यान दें, साइन 360 × 2 यानी 720 हो जाएगा, प्लस 45। दोस्तों ध्यान दें, अगर 360, अब इसको छोड़ दें, 360 लिखा, ये 0, 90, 180, 270, 360। 360 में कुछ ऐड करोगे, किस में जाओ? फर्स्ट में जाओ। फर्स्ट क्या कहता है दोस्तों? फर्स्ट कहता है आई पॉजिटिव। आइडेंटिटी किससे
स्टार्ट हो रही है साइन 360 से, और 360 की लाइन का नाम क्या था? अनचेंज, यानी ये बदलेगा नहीं, साइन है तो साइन में ही रहेगा, साइन और प्लस में रहेगा, साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, एंड साइन 45 आ गया, साइन 45 के वैल्यूज 1/√2। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन दिया है कॉसेक -1410। अब ध्यान दें दोस्तों, इसमें दो आइडेंटिटी बता चुके थे, रिवाइज करवा लेते हैं। साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, अब जबकि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? कॉस थीटा होता है। क्लास टेंथ में पढ़ चुके हो, जिनको नहीं याद है देख ली, ध्यान देते रहे दोस्तों। अब कॉसेक को तो साइन जब माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस कॉसेक 14 टेन। अब इसको ऐसा लिखो कि यही लिखा रहे, इसका मेकअप कर दो दोस्तों। कॉसेक 360 फोर्जा ले चलो, कितना हो जाएगा? 1440, चेक कर लो दोस्तों, माइनस थर्टी। अब ध्यान दो दोस्तों, अगर 360 में से कुछ घटाओगे किस में जाओगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या कहता है दोस्तों? कि सेक एंड कॉसेक, सॉरी कॉस एंड सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो ये निगेटिव आएगा तो निगेटिव लगा। 360 की लाइन अनचेंज होती है, जो आइडेंटिटी दोस्तों 180 से और 360 से चालू हो वो अनचेंज होती है, यानी कॉसेक की आइडेंटिटी कॉसेक में ही आएगी, कॉसेक 30 माइनस माइनस प्लस कॉसेक 30, कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 2। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? 10 19π/3, ये रेडियन में दिया गया है। सबसे पहले दोस्तों डिग्री में चेंज करो, किस में चेंज करना है? डिग्री में। 180 पाई की वैल्यू क्या रखोगे? 180 डिवाइड बाई 3 60 10, ये कितना हो गया? 1104। अब दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं? 360 मल्टीप्लाई इतना, इसकी मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 1080। अब 1080 में 60 ऐड कर लो दोस्तों, वही तो लिखा है। अब दोस्तों 360 प्लस है, 360 में कुछ ऐड करोगे तो किस में जाओगे? फर्स्ट में। फर्स्ट क्या कहता है? आर पॉजिटिव रहे, यानी ये भी प्लस का रहे। फर्स्ट क्या बोलता है? आर पॉजिटिव, तो इसलिए प्लस रहेगा, लेकिन आइडेंटिटी 360 से चालू है, इसलिए दोस्तों यह चेंज नहीं होगा, टेन ही रहेगा, अर्थात 1060। 1060 की वैल्यूज √3। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंचते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 9 क्या कहता है? साइन माइनस 11π/3, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन 11π की जगह पे 180 डिवाइड बाई 3, 3 से कैंसिल किया 60, 11 से इतना आ जाएगा। इसको भी दोस्तों ये माने जान पाए हो, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, अभी आइडेंटिटी नोट कराई थी, तो ऐसा करते हैं इसको 360 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ दोस्तों? 720 हो गया, माइनस 60 कर। 360 से कुछ भी लेस करोगे आप तो फोर्थ में पहुंच जाओगे। फोर्थ क्या कहता है? कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, यानी ये निगेटिव आएगा, ये निगेटिव आ गए।
360 वाला आइडेंटिटी जो होती है अनचेंज होती, अर्थात साइन 60 ही रहेगी। माइनस माइनस प्लस साइन 60, दोस्तों साइन 60 की वैल्यूज रूट 3/2। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। हाँ दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखें। 10 कहता है कॉट माइनस 15π/4। तो दोस्तों कॉट माइनस थीटा क्या होगा? माइनस कॉट थीटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि कॉट के अंदर साइन उपस्थित है, प्रेजेंट है। कॉट इक्वल टू कॉस अपन साइन होता है। कॉट इक्वल क्या होता है दोस्तों? कॉस अपन साइन। लेकिन कॉस माइनस थीटा तो माइनस प्लस कॉस ही रहेगा, लेकिन ये माइनस हो जाएगा, इसकी वजह से ही माइनस आ जाएगा। तो ध्यान दो दोस्तों, तो ये कॉट इतना हो गया। इसको दोस्तों रेडियन में चेंज करो। फिफ्टीन पाई को लिखेंगे 180/4। फोर फोर जा फोर फाइव जा कॉट कैरी 7, इतना आया दोस्तों। अब इसकी वैल्यूज को निकालते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या करना है मुझे। इक्वल माइनस कॉट 765 को क्या लिखेंगे? 360। ध्यान दें दोस्तों, माइनस कॉट 360 × 2 कितना हो गया दोस्तों? 720 से 45 लेस कर दो। अब अगर इसमें से लेस किया तो फोर्थ में आओगे, फोर्थ में कॉस से पॉजिटिव बाकी से निगेटिव, तो ये निगेटिव रहेगा। निगेटिव होने के कारण ये अंदर निगेटिव लगाए, और ये आइडेंटिटी 360 से स्टार्ट है दोस्तों, इसलिए चेंज नहीं होगा। कॉट 45 दे माइनस माइनस प्लस कॉट 45 की वैल्यू। इस प्रकार से एक्सरसाइज 3.2 क्लास 11 की समाप्त होती है। जो हमारे चैनल को स्टूडेंटों ने सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है वो जरूर कर लें, और हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें, एक भूल करना मत भूलें दोस्तों, जिससे बहुत सारे लोगों का भी बेनिफिट होगा। धन्यवाद दोस्तों।